नौकर ये बताओ कि हवेली बार बार तुर्की साहब नजर नहीं आ रहे। यह तो हम सोचत ही इतना टाइम होगा अब तक नहीं आए। नाबीन हाजिर आओ कहिए जी। नमस्कार साहब, बहुत बुरा हो गया। व्हाट? आपकी बेटी उर्मिला हमें चकमा देकर भाग गई। क्या कहा? उर्मिला तुम्हें चकमा देकर हवेली से भाग गई, चली गई हवेली से। हम इसलिए आपके पास आए हैं कि आपके कानों तक ये आवाज पहुंचा दे। जाने दो, ऐसी औलाद से तो हम बिन औलाद ही ठीक है। लेकिन डिप्टी साहब, हाँ, आज के बाद तुम सरकारी नौकरी नहीं करोगे। शौक सरकारी नौकरी पर इस्तीफा लगा दो और आज से हम तुम्हें अपने यहाँ का सेना पद का पद दे रहा हूँ। इसी ड्यूटी पर तैनात रहोगे। ठीक है, आज से हम आपके साथ रहेंगे। आइए और हम गांव की तरफ चलते हैं। चलो चलो। एक हमारा पुराना जानी दुश्मन है जिसका नाम दयाराम है, ओ, और उसे गिरफ्तार करके तुम्हें इसी भरे दरबार लाना है। ठीक। और सारी रियासत वालों के सामने हम उसे फांसी के तख्ते पर आओ हमारे साथ। चलो, चलो। और हम रियासत की तरफ चलो चलो। हेलो, ये उनके जीजा कुरारी वाले, ये उनके जीजा कुरारी वाले, ये भैया जी की तरफ से सीन देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। आज मेरी माँ बाजरे की रोटी और आम की चटनी बनाकर मुझे फरफेट खिलाया। आज मेरी आत्मा को रोटी तो तुझे हम खिलाएंगे। अरे मन राम जादे वो दिन याद कर। कौन सा दिन? जो भरे दरबार में सारे बस्ती को लोगों को लेकर इकट्ठा होकर भरे दरबार में महाराज के सामने तुझे दे तूने मुझे नीचा दिखाया था। हमें कोई नीचा दिखाए वो साला इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। अरे मंत्री साहब, हक और अधिकार के लिए दुनिया लड़ाई लड़ता है। हम उसी हक अधिकार के लिए हम अपने गांव वालों को लेकर महाराज के पास पहुंचे और मुझे हक अधिकार मिला मालिक। और तेरी हक की लड़ाई आज से खत्म होगी। नहीं मंत्री जी, ना ये तेरा काम, ये कोरवा तक पर मैं इसे चलाकर जलिया वाला पाक बना दूँगा। ऐसा नहीं करोगे। आज ही गांव मेरा मेरे साथ है और कल भी रहा है, आज भी रहेगा। बुलाओ अपने गांव वालों को। प्यास ये ठाकुर भंवर सिंह से तुझे बचाकर कोई ले जाए। मंत्री भंवर सिंह है, गिरफ्तार करो और ले चलो भरे दरबार। तखतपुर के लोग, सभी लोग लठ लेकर आओ और आज मंत्री साहब को यह दिखा दो कि हम गरीब के रंगों में खून है। और अब तुम्हें कहीं नहीं मालूम है कि सूद की एकता और मेढक का तौला कहीं बराबर नहीं होता। हम अपनी राजनीति के फंदे में फंसा कर तेरी तरह एक एक को मारूंगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। ले चलो। पर नहीं आए घनश्याम धीरे आई बदरी, नहीं आए घनश्याम धीरे आई बदरी।
एक तो रैनी आंधियारी बदरा आवे बारी बारी, एक तो रैनी आंधियारी बदरा आवे बारी बारी, दूजे आए ना बिहारी घिरे आई। हेलो जवानी है देवराज भैया, शीन देखते हुए 50 रुपए का व्यवहार या 21 रुपए का पुरस्कार, धन्यवाद। क्या हुआ बेटा? हे माई, नहीं जान तू कहा? नहीं मैं कुछ नहीं जानती। तुहरे बेटवा का दाराम का मंत्री पकड़ लाई गई। मंत्री? हाँ, ये क्यों? पता नहीं कहे बड़े माई डिप्टी साहब मंत्री सदर उनका। हे माई पकड़े के बाद छोड़, दयाराम भैया का फांसी हो जाती। हाँ माई, चल जल्दी। या भगवान, मैं किसके पास जाऊँ, किससे मदद मांगू? मैं अपने बेटे दयाराम को मैं कैसे बचाऊ? चलो बेटा। जो इस तरीके से बिलख बिलख कर रो रही हो, आखिर बात क्या? हर मेरे बेटे को बचा लो यही एहसान, मेरे बेटे को बचा लो यही एहसान करो, मेरे बेटे को चलो यही एहसान करो, मेरे भगवान मेरा थोड़ा सा, लेकिन बूढ़ी माँ आपके बेटे को हुआ क्या है? बेटा, मंत्री भंवर सिंह ने मेरे बेटे को पकड़ ले गए और कल 12 बजे उसकी फांसी हो जाएगी। मेरे बेटे को बस बोलना, मेरे पैरों में गिरकर क्या मुझे नरक में भी ठिकाना नहीं देना चाहती हो? बूढ़ी माँ, अगर तुम पर आपत्ति है आई है तो ये समझो कि मुझ पर आपत्ति आई है। मैं आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। बूढ़ी माँ, साथियों, आज मेरी इम्तिहान की घड़ी है। आज बूढ़ी माँ की गोद को हम सुनी नहीं होने देंगे। बूढ़ी माँ, आइए हमारे साथ और इसी वक्त आपके बेटे के प्राण की रक्षा करने के लिए हम चलेंगे। आइए। मैं भी सचिव हूँ अपनी बेटी के पास। डिप्टी साहब, हाजिर करो। प्यारे लाल और हत्यारे लाल, हमारा सख्त ऑर्डर है कि हम दुश्मन को ज्यादा देरी तक जिंदा देखना नहीं चाहता। हम ज्यादा देरी तक जिंदा भी रहना चाहते हैं। चढ़ा दो सूली पर और मेरे तीन कहने पर इसके शरीर से इसका दम खत्म कर दिया जाए, ये हमारा ऑर्डर है। प्यारे लाल और हत्यारे लाल, दुश्मन को खिलाकर मारना ये मैं पहली गलती नहीं करूंगा। तैयार हो जाओ। नंबर एक, और नंबर दो, और नंबर
मंत्री जी रुक जाइए जुमा को लेना। मंत्री जी रुक जाइए और जुमा को लेना रो सब कौन हो कहां तुम्हारा बोलो तुम सब कौन हो कहां तुम्हारा बात और कैसे यहां पर आ गए आज हमारे इधर बात एक एक को देख लूंगा। ठाकुर साहेब ठाकुर साहेब हमका छुट्टी दे दिया 15 दिन के बाद हम फिर आ जाए। अब छुट्टी मैं नहीं अब ये लोग देंगे इसलिए कि अब मैं शासन काल में नहीं रहा अब प्रशासन काल में है। साला एकदम मेला फिल्म की तरह एकदम गुज्जर की तरह दिखता है यार गुज्जर डाकू आग भी वैसे हो गई है भैया। डिप्टी साहब का पहले हैट उतरवाइए उसके बाद औरती फिर हम इनसे आज दो बातें करके तब इनको भेजेंगे। डिप्टी साहब को दिल करता है कि शूट कर दो। अगर तुम्हारे दिल भी यही है तो हमें मंजूर है ताकि तुम्हारी तमन्नाएं पूरी हो सके। क्या है तुमने कानून का उल्लंघन किया है? कानून के रखवाले कानून के पुजारी लेकिन तुमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि तुम्हें बख्श दिया जाए। मरने के लिए तैयार हो जाओ। कौन है आप लोग? क्या चाहते हैं? अरे डिप्टी साहब की मौत को देखकर तो हमारा रोम रोम कांपने लगा है। ओ भंवर सिंह उर्फ गुज्जर याद करो तब उस बगिया को नहीं बे आज के कई वर्ष पहले। ओए कल्लू भैया ओए कल्लू भैया उधर जाइए देखिए। तुमको कहीं नहीं जाना गैर उतरवाए मरवाए ले जा। जितना मैं पूछूंगा आज उतना बताना पड़ेगा। अगर आप अपनी जिंदगी की भलाई चाहते हो तो ये बताओ कि महाराज विजय सिंह का कत्ल किसने किया था? हथकड़ी खोलो। अरे नाम तो कम से कम इज्जत से लिया करो। हेलो ये मंडी अन्ना दीपांशी यानी घर मालकिन ये उनकी तरफ से एक कई से कई रुपए का पुरस्कार पार्टी पे लाख लाख धन्यवाद।
तेरे मरने के पहले ऐसा लगता है कि तू मुझे मार रहा है, इतना डर लग रहा है। मैंने पूछा कि महाराज विजय सिंह का कत्ल किसने किया था? देखिए, हेलो, ये राजा राम विश्वकर्मा भैया, 100 रुपए का व्यवहार, 11 रुपए का पुरस्कार, धन्यवाद। अगर जानना चाहते हैं किस तक तो ताज इस राज्य रियासत के सम्राट का कत्ल किसने किया? महाराज का कत्ल हमने किया था, इसी धन दौलत के हवस में मैं बिल्कुल अंधा हो गया था। हमें क्या मालूम था कि हमारी जिंदगी में यह भी दिन आएगा और यह दिन देखने के लिए मैं जिंदा रहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, ये राज रियासत ये तंत्र तार छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन आप ये सवाल करने वाले हैं कौन? उठाओ सर, हेलो, ये राजेश देवपुर वाले, ये कई सुबह का पुरस्कार, धन्यवाद। मिला, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी, उर्मिला मुझे माफ कर दो। हमार सिंह जरा निगाह उठा के देख अपने बेटी को और उधम सिंह राजकुमार को। जा भाई, जब भंवर फेरे खोई तुका बुलाऊ। क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया? ए भैया, दिलीप आए हैं, दिलीप 21 रुपया दे दा है, कहा था है का सारे के ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, 16 दू 32 दा तोड़ दिया जाए। जब मरान मारे दोस्त से कट गया है तो का बता दी कैसे दिखाई है। और उस जख्म को का देखते हो भैया? धीरे धीरे जख्म भर जाएगा, जख्म को खरोंचो तो नासूड़ बन जाता है, और तुम्हारे राजमहल में नासूड़ ही तो बन गए हो। श्यामू भैया चौहानपुर, 51 रुपए के व्यवहार, धन्यवाद। बता दे ओ पाजी शैतान, बता दे ओ पाजी शैतान, मार कर भेजूंगा शमशान, पिता को मेरे मार कर तूने अदम पिधाया है, मेरी माँ है कहां पर कुछ ना तूने बताया, किया है जीवन मेरा खरा, किया है जीवन मेरा खरा, मार कर भेजूंगा शमशान, उसे मैं मारूंगा नहीं, मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मोर्चा,
यह देखिए, बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके राजकुमार उधम बेहरा भैया माँ को बुलाओ। माँ देखिए, जिसके याद में तुम दर बदर की ठोकर खाई और पागल के रूम में ठहरा वही है ये आपका बेटा उधम सिंह। नजर उठा के देखो मेरे बेटा उधम सिंह। बेटा ये मिलाप देखते हुए, माँ बेटे के मिलाप को देखते हुए उदय राज मिस्त्री भैया देवपुर घर मालिक को 500 की नोट से 200 रुपए का व्यवहार, साथ ही साथ 21 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद बेटा। ये तुम्हारे साथ में लड़की कौन है? माँ ये लड़की मंत्री भंवर सिंह की बेटी है, जो कि हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं माँ, और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। ठीक है बेटा। दोस्तों इसी जगह से हमारी संगीत का समापन हुआ, और जाने अनजाने में हम नन्हे मुन्ने कलाकारों से काम करते वक्त कोई त्रुटि कोई गलती हो गई हो तो अपना बेटा अपना भाई समझकर क्षमा कर देना। हम लोग फिर से मिलेंगे ग्राम सभा इसी देवापुर में 29 नवंबर को। राधा के सांवरिया सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया। रज के नंदलाला राधा के सांवरिया सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम। Thank you.